हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा। आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे रूपांतर समीकरण, उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कि अगर अपने पास जो निर्देश तंत्र हो निश्चित कोण पर झुकी हुई हो, इन द केस अपन ने निकाला था रूपांतरण समीकरण इन 2D। ओके, देखो तो अपना हेडिंग था निर्देशांक रूपांतरण, उसके अंदर अपना थर्ड नंबर पॉइंट चल रहा था, देखो निर्देशांक रूपांतरण, एंड इसके अंदर थर्ड नंबर पॉइंट अपना था निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। ये अपना टॉपिक चल रहा था, ठीक है। एंड इसके अंदर अपन कर रहे थे 2D के अंदर, टू डायमेंशनल के अंदर इसके अंदर अपन कर रहे थे। ओके, तो अपन ने रूपांतरण समीकरण निकाला था इन 2D केस। फर्स्ट अपने पास था 2D, और इसके अंदर अपने पास रूपांतरण समीकरण क्या आया था, वो अपने पास आया था एक्स डेस इक्वल एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ओके, और वाई डेस इक्वल वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये अपने पास आया था। ओके, और ये अपने पास था समीकरण नंबर 7। और यहाँ पर अपने पास था, एक तो था इस तरह एस निर्देश तंत्र, एक अपने पास था एस डेस निर्देश तंत्र। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये था एक्स डेस एक्स, ये एक्स डेस था, ये वाई डेस था, एस फ्रेम एस डेस फ्रेम, ठीक है। इस तरह से था अपने पास, ये अपने पास था एक ओरिजिन ओ, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब देखो, ये अपने पास है एक्स डेस इक्वल एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ओके, अब वाई डेस इक्वल वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा है अपने पास। ओके, अब देखो अब देखिए आगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, देखो जरा, एक्स डेस इक्वल एक्स कोस एक्स डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डेस ओ वाई, वाई डेस इक्वल एक्स कोस वाई डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डेस ओ वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ध्यान से देखो जरा, इस समीकरण को, इन दोनों को मैं इस तरह लिख सकती हूँ या नहीं, इसको देखो। एक्स यहाँ पर है, एक्स है कोस, कोस है एक्स डेस ओ एक्स, अपने पास है थीटा के बराबर। अब इसको ध्यान से देखो, जो अपने पास एंगल है कौन सा, एक्स डेस ओ एक्स का, वो कितना है, वो अपने पास है थीटा, एक्स डेस ओ एक्स, ये अपने पास थीटा एंगल है। तो थीटा को मैं ये लिख सकती हूँ, थीटा इक्वल लिख सकती हूँ एक्स डेस ओ एक्स एंगल। ओके, अब देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थीटा की जगह एक्स डेस ओ एक्स कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास एक्स डेस ओ वाई क्या आएगा, यहाँ पर देखो प्लस प्लस है वाई वाई, ये साइन साइन है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोस है। तो यहाँ पर देखो एक्स डेस ओ वाई क्या आएगा, देखो जरा इनको थोड़ा साइड में लिख लेना, यहाँ पर साइड में लिख लेना, थीटा अपने पास है एक्स डेस ओ एक्स एंगल के बराबर। ओके, अब देखो, अब अपने पास एक्स डेस ओ वाई क्या आएगा, एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस ओ वाई। अब ये जो अपने पास एंगल है ये 90 है, एक्स वाई के बीच का एंगल अपने पास 90 है। ओके, तो अगर ये थीटा है,
देन ये अपने पास क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो एक्स डेस ओ वाई कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा करेंगे अपन यहाँ पर, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा अपने पास, देखो अपने पास चार होते हैं क्वाड्रेंट, चार चतुर्थांश होते हैं, क्या होते हैं, चार अपने पास होते हैं चतुर्थांश। ये अपने पास होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, इसको 360 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको 360 भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर अपने पास कोई एंगल है इसके बीच में, मीन्स 90 से कम 0 से ज़्यादा, 90 से कम और 0 से ज़्यादा हो, इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में साइन कोस टेन कोट सभी क्या रहेंगे, देखो इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, आप इसको साइड में या कॉपी के ऊपर बना लेना, ओके। अब देखो ये अपने पास होता है एक चतुर्थांश, ये अपने पास 0 डिग्री, या इसको 360 भी लिखेंगे, ओके। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये अपने पास है 270 डिग्री, 0 डिग्री, 90, 180 और 270, ठीक है। अब देखो ये अपने पास यहाँ पर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, और इसके अंदर साइन एंड कोसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, और इसमें अपने पास टेन एंड कोट रहेगा पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, ये रहेंगे पॉजिटिव, इसमें ये रहेंगे पॉजिटिव, और इसके अंदर रहेगा कोस व सेक, ये रहेंगे पॉजिटिव, बाकी रहेगा सभी नेगेटिव, ओके। अब देखो अगर अपने पास क्या हो, 0 डिग्री पर हो या 180 से ऊपर हो, मतलब 0 से ऊपर या 180 से ऊपर, इस केस में साइन साइन रहेगा, मीन्स अगर अपने पास साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, ओके, एंड कोट है तो कोट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, और अगर कोसेक है तो कोसेक रहेगा। फॉर एग्जांपल की बात करती हूँ मैं, साइन 60, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 60 को मैं लिख सकती हूँ 180 या यहाँ पर लिखती हूँ मैं पहले 30, तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 0 प्लस 30 लिख सकती हूँ। 0 प्लस का मतलब क्या है, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो साइन 0 प्लस मतलब 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, जब 0 की बात आती है, 0 या 180 की बात आती है, इन द केस साइन क्या रहता है, साइन रहता है, तो साइन रहेगा साइन, फर्स्ट ऑफ साइन रहेगा साइन, ओके। अब देखो अब अपने पास एंगल, अपने पास ये 30 है, अब देखो यहाँ पर क्या रहता है, साइन पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है, साइन क्या है, पॉजिटिव है, ओके, तो ये होगा पॉजिटिव। अब देखो साइन 0 प्लस 30 अपने पास क्या होगा, ये अपने पास होगा साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, ओके। अब देखो अगर अपने पास साइन, जब बात करते हैं 180 की, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है, अब जब बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा की, किसकी, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस ये वाला, ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, साइन क्या रहता है, पॉजिटिव,
और जब बात होती है 180 या जीरो की, तो साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपने पास होता है। ओके, अब बात करते हैं 90 की। तो जब आती है 90 की बात या 270 की, किसकी 90 की या 270 की बात आती है, इन द केस साइन क्या रहता है, कोस में बदलता है, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में। सेग क्या रहता है, कोसेग में चेंज होता है और कोसेग सेग में चेंज होता है। ओके, अब देखो, अब अगर अपने पास क्या हो, साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। इस केस में क्या होगा, 90 माइनस का मतलब है ये 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अपने पास है पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, जब बात 90 की आती है तो साइन कोस में बदलता है, किस में, कोस में, तो यहाँ पर कोस आएगा और थीटा आएगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। अब बात करें साइन 90 प्लस थीटा, किसका, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो, तो जब बात करें 90 प्लस मीन्स 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, साइन का होगा कोस में चेंज, कोस थीटा। देखो, जब अपने पास 90 या 270 होता है, इन द केस साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। अब बात करेंगे कोस की, किसकी, कोस की, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो जब बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इस केस में कोस पॉजिटिव रहता है, और जब 90 की बात आती है तो कोस क्या होता है, साइन में बदलता है, तो साइन थीटा होगा। ओके, अब बात करेंगे कोस 90 प्लस थीटा की, इसकी कोस 90 प्लस थीटा की, तो इन द केस 90 प्लस का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने पास कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस रहता है नेगेटिव, कोस क्या होगा, साइन में बदलेगा, थीटा होगा, तो कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इट मीन्स अपने पास जब जीरो या 180 आता है यहाँ पर, ओके, तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस सब सेम रहेंगे, बट अगर 90 और 270 आता है, इन द केस साइन कोस में, कोस साइन में जाता है। ओके, तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, आगे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब देखो, ये अपने पास है x डैश ओ वाई, अपने पास क्या है, ये अपने पास है 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी बताया मैंने, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर देंगे साइन थीटा, क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन कर देंगे साइन थीटा। ओके, अब देखो, अब निकालेंगे, अब ये तो अपना हो गया एक्स डैश इक्वल एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं, मैंने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसको देखो, y डैश ओ एक्स, किसको, y डैश ओ एक्स को, तो यहाँ पर देखिए y डैश ये रहा ओ एक्स, तो ये अपने पास कितना एंगल है, y डैश ओ एक्स कितना एंगल है, देखो ये अपने पास क्या है, 90 है और ये थीटा है, तो ये पूरा क्या होगा, 90 प्लस थीटा, ये 90 ये थीटा, तो पूरा होगा 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर अपने पास y डैश ओ एक्स क्या होगा, 90 प्लस थीटा। ओके,
एंड कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? अभी मैंने बताया था ये होता है माइनस साइन थीटा. क्या होता है? माइनस साइन थीटा. तो यहाँ पर देखो एक्स ये अपने पास है कोस वाई डिस ओ एक्स. वाई डिस ओ एक्स अपने पास क्या है? ये अपने पास है 90 प्लस थीटा. तो ये अपने पास होगा माइनस एक्स साइन थीटा. देखो माइनस एक्स साइन थीटा ये बराबर होगा इसके. ओके अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं वाई डेस ओ वाई. तो वाई डेस ओ वाई ये बराबर है किसके? देखो थीटा के. ओके तो यहाँ पर थीटा करेंगे तो अपने पास आएगा वाई कोस थीटा. सेम देखो ये रहा. ओके तो ये समझ में आ गया होगा. तो मीन्स बेसिकली यहाँ पर मैं बस ये बता रही हूँ कि जो समीकरण 7 अपने पास है इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ. मैंने बस ये समझाया है. ओके अब देखो ये अपने पास समीकरण 8 हो गई. इसको भी बोल सकते हैं अपन झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण. 8 भी अपने पास वही होती है. अब देखो अब इसको अपन करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में. किसमें? मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स रूप में. इसमें इसको लिखेंगे अपन इस तरह एक्स डेस वाई डेस इक्वल कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एक्स वाई. अब देखो ये अपने पास है एक्स डेस वाई डेस, ये एक्स वाई हो गया. अब ये अपने पास पहला कंपोनेंट कोस थीटा, दूसरा साइन थीटा. पहला अपने पास एक्स का, ये अपने पास एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का है. ओके तो एक्स का क्या है? माइनस साइन थीटा. वाई का अपने पास है कोस थीटा. ये अपने पास एक्स का कंपोनेंट, ये वाई का कंपोनेंट. तो ये अपने पास हो गया मैट्रिक्स फॉर्म. ओके अब समीकरण 7 और जो 8 अपने पास है ये अपने पास है घूर्णी झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण. ओके समीकरण 7, 8, 9 झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण. झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण. ओके तो ये अपना 2D के लिए कंप्लीट हो गया. नोट कर लो इसको. ये अपने पास 2D के लिए हो गया. अब करेंगे 3D के लिए. ओके अब करेंगे केस नंबर 2 3D के लिए. किसके लिए? 3D के लिए. देखो तो बेसिकली मैंने कल बताया था कि इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर 3 एक्सिस होती है. कौन सी? एक्स वाई जेड. ओके तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? सबसे पहले 3 एक्सिस बनाएंगे. कौन सी? एक्स वाई जेड. ओके देखो इस तरह से ये 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड और ये अपने पास है एस निर्देश तंत्र. कौन सा है? एस निर्देश तंत्र. अगर मेरा एक और निर्देश तंत्र लेती हूँ एस डेस, उसको मैंने क्या किया? इसे थोड़ा थीटा एंगल झुका दिया. देखो इस तरह ये अपने पास है ये एक्स डेस वाई डेस और ये है जे डेस. ठीक है अब देखो ये अपना ओरिजिन है ओ. ओके देखिए ये एक्स वाई जेड, ये एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस है. ओके अब देखिए ये अपने पास थीटा एंगल है.
ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये अपने पास है एस डेस निर्देश तंत्र। तो बेसिकली मैंने यहां पर किया क्या है, दो निर्देश तंत्र लिए एस व एस डेस, ओके। एंड जो अपने पास एस डेस निर्देश तंत्र है उसकी तो तीनों एक्सिस है, कौन सी, एक्स डेस, वाई डेस और जे डेस है, उनको मैंने इसके सापेक्ष थीटा कोण झुका दिया, ओके। अब देखो ये अपने पास क्या है, एक पॉइंट है, पार्टिकल है जो कि पी पॉइंट के ऊपर है, एक पार्टिकल है जो कि पी पॉइंट के ऊपर है। इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे किसमें, एस फ्रेम में, और एस डेस में होंगे एक्स डेस, वाई डेस और जे डेस, ओके। अब देखिए आगे, तो यहां पर पहले थ्योरी लिख लेते हैं। माना दो निर्देश, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, कौन कौन से, एस व एस डेस, एस डेस निर्देश तंत्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष, या ऐसे बोलेंगे एस देश निर्देश तंत्र की तीनों अक्षिस, की तीनों अक्ष एस निर्देश तंत्र की तीनों अक्षों से निश्चित कोण थीटा पर झुकी हुई है, थीटा पर झुकी हुई है इस तरह से, ठीक है। अब जो पार्टिकल अपना है वो पी पॉइंट के ऊपर स्थित है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, एस फ्रेम में एक्स वाई जेड, और एस डेस में होंगे एक्स डेस, वाई डेस, जेड डेस, ओके। अब देखो, अब समीकरण आठ से अपन ये लिख सकते हैं क्या, देखो जरा, एक्स डेस इक्वल, आप ध्यान से देखो मैं लिखती हूं, देखो एक तो समीकरण आठ को देखो और एक समीकरण दस को देखो। आठ में अपने पास क्या था, टू डी था, तो ये यहां तक था और ये यहां तक था, बट ये अपने पास थ्री डी है, तो इसको मैंने पूरा जेड तक किया है। देखो अब देखिए जरा, अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है, किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। देखो ये अपने पास एक्स डेस है, तो यहां पर देखो सब में एक्स डेस है और एक्स y z, यहाँ पर भी क्या है, एक्स वाई जेड, ओके। अब देखो ये अपने पास y डेस है, तो यहाँ पर क्या है, y डेस, y डेस, y डेस, ओके। एंड ये अपने पास क्या है, एक्स y z, सेम इसकी तरह, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स डेस है, यहाँ पर y डेस है, और यहाँ पर अपने पास क्या है, जे डेस, बाकी सेम है एक्स वाई जेड, ओके। तो ये अपने पास है थ्री डी के अंदर रूपांतरण समीकरण, ये अपने पास क्या है, इसको लिखते हैं समीकरण 10 3D में
रूपांतरण समीकरण है। ये अपने पास है 3D के अंदर रूपांतरण समीकरण। ओके, अब देखो ये अपने पास है 3D के अंदर स्थिति का रूपांतर समीकरण, या बोल सकते हैं 3D के अंदर निर्देशांक रूपांतर समीकरण। निर्देशांकों का रूपांतरण समीकरण। अब एक चीज बताइए, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो अदिश गुणन होता है, देखो जरा, दो वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो अपने पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब इनका अदिश गुणन करते हैं, इसको लिखना नहीं है, बस इसको समझा रही हूँ मैं, जब इसका अदिश गुणन करते हैं, जब दो सदिश राशि का अदिश गुणन करते हैं, लाइक इस तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह करते हैं, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या होगा, जब दो सदिश राशि का अदिश गुणन करते हैं तो अपने पास आएगा, क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये अपने पास ए का परिमाण, ये बी का परिमाण और कोस थीटा। थीटा अपने पास क्या है, ए और बी के बीच बना एंगल है, क्या है, थीटा अपने पास यहाँ पर है, ए और बी के भी तो एंगल बनता है, इस तरह से देखो, ये अपने पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये अपने पास है इनके मध्य का एंगल, इनके मध्य का एंगल। अब देखो जरा, तो थीटा अपने पास होता है इनके मध्य का एंगल। एंगल हमेशा कैसे लेते हैं, एंगल हमेशा लेते हैं टेल टू टेल का, पूंछ से पूंछ का, या हेड टू हेड का, मींस सर से सर का। देखो दो वेक्टर अपने पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, देखो बी ब्लैक बी वेक्टर, ए अपने पास ए वेक्टर। आप देखो जरा, ये अपने पास एक ए वेक्टर है, इसका क्या है, ये अपने पास सिर है, ये इसकी पूंछ है, ओके, टेल है इसकी, ये हेड है, ये अपने पास माना इसकी, ये सर है, ये इसका पूंछ है। अब लेते हैं बी वेक्टर इस तरह से, तो ये अपने पास है इसका सर, इसकी पूंछ, तो अपन एंगल लेते हैं टेल टू टेल के बीच का ये एंगल, या लेंगे हेड टू हेड के बीच का एंगल थीटा, बट कभी भी अपन इसका टेल, ओके, एंड इसका सर है अपने पास, इसका हेड और इसका टेल, इनके बीच का एंगल नहीं लेंगे, ओके। देखो अपन हमेशा एंगल लेते हैं टेल टू टेल, टेल टू टेल, या हेड टू हेड का, ऐसे लेते हैं, कभी भी अपन इस तरह एंगल नहीं लेंगे, हेड टू टेल का एंगल नहीं लेंगे, ओके, एंड कभी भी अपन इस तरह टेल टू हेड का एंगल नहीं लेंगे, ओके, तो ऑलवेज एंगल लेते हैं हेड टू हेड एंड टेल टू टेल लेते हैं, ओके। अब देखो इसके आगे अपन करते हैं, तो ये अपने पास ए बी कोस थीटा हो गया, ओके। अब देखिए, आप लिखो तो साइड में लिख लिया करो, कोई फॉर्मूला जो भी होता है, जैसे यहाँ पर साइड में ये लिख लो इस तरह से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये साइड में लिख लो आप, ओके। अब देखो, अब बात करते हैं इनकी, तो अब जो अपने पास यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है, वो क्या होता है, इकाई सदिश। अब देखो अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका इकाई सदिश होता है ए कैप, वो अपने पास होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ये होता है अपने पास इकाई सदिश, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या लिखेंगे, इकाई सदिश ये अपने पास होगा ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए,
और जो अपने पास इकाई सदिश होता है इसका परिमाण हमेशा वन होता है। इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है? हमेशा वन होता है। ओके, तो अब देखिए, अगर मैं ऐसे करती हूँ आई कैप डेस डॉट आई कैप, तो ये क्या होगा? डायग्राम को देखो, जो अपने पास आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ये होते क्या है एक्चुअली? जो अपने पास आई कैप जे कैप के कैप होता है वो क्या होता है? ओके, इसको समझते हैं। जो आई कैप होता है और जे कैप होता है, के कैप होता है, वो क्या होते हैं? वो अपने पास होते हैं इकाई सदिश। क्या होते हैं? इकाई सदिश होते हैं, ठीक है। तो आई कैप और जे कैप के कैप क्या होते हैं? वो एक्स वाई जेड के अनुदिश इकाई सदिश होता है। ओके, अब देखो, ये अपने पास यहाँ पर होगा आई कैप, तो एक्स के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप होता है, वाई के अनुदिश जे कैप और जेड के अनुदिश के कैप। सेम बात करें एक्स डेस की, तो यहाँ इकाई सदिश होगा आई केब डेस, यहाँ होगा जे केब डेस और यहाँ होगा के केब डेस, ठीक है। देखिए आगे, तो देखो यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि आई केब जे केब के केब एक्स क्रमशः है एक्स वाई जेड, एक्स के अनुदिश क्या है? इकाई सदिश है। तथा आई केप डेस जे केप डेस व के केप डेस क्रमशः ये अपने पास है एक्स डेस वाई डेस जेड डेस एक्स के अनुदिश इकाई सदिश। इसके अनुदिश इकाई सदिश है, इस तरह से। ओके, अब देखो, अब अपन लिखते हैं सबसे पहले आई केप डेस डॉट आई केप, ये क्या होता है? ए केप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कोस थीटा। क्या होता है? ए बी कोस थीटा। तो ये अपने पास क्या होगा? आई केप डेस, इसका मैग्नीट्यूड, आई केप का मैग्नीट्यूड, आई केप का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। क्या होगा? कोस थीटा। अब देखो, मैंने भी क्या बताया था, इकाई सदिश का परिमाण वन होता है ऑलवेज। ओके, तो ये वन होगा, ये भी वन होगा, तो यहाँ पर अपने पास आएगा कोस थीटा। अब थीटा क्या होता है? थीटा अपने पास होगा एक्स डेस ओ एक्स। क्या होगा? एक्स डेस ओ एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल कोस एक्स डेस ओ एक्स, ठीक है। इसको मैं मानूंगी ए वन वन, ये मैं मान लूंगी, कोई कांस्टेंट मान लूंगी इस तरह ए वन वन। ओके, अब देखो, एक एक चीज ध्यान से देखो, आई केप डेस है, ये अपने पास इकाई सदिश है किसके अनुदिश? एक्स डेस के अनुदिश। ओके, तो आई केप डेस अपने पास है इकाई सदिश एक्स डेस के अनुदिश। तो यहाँ पर देखो एक्स डेस आ गया, आई केप अपने पास इकाई सदिश है एक्स के अनुदिश, तो ये एक्स आ गया, ठीक है। देखो, आई के अब डेस की जगह एक्स डेस, आई की जगह एक्स कर दिया, तो यहाँ से इसको अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास एंगल लेंगे एक्स डेस ओ एक्स के लिए। ओके, अब देखो, ये अपने पास क्या है? आई के अब जे के अब के अब और आई के अब डेस जे के अब डेस के अब डेस, ये वन है पहला अपने पास इकाई सदिश, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ओके, अब देखो, ये पहला इकाई सदिश, दूसरा तीसरा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर पहला इकाई सदिश है, ये रहा पहला, ये भी पहला है, तो मैंने इसको वन वन किया है, मैंने क्या किया है? इसको वन वन किया है। ओके, अब देखो,
अब बात करते हैं आई केप डैश डॉट जे केप की। आई केप डैश जे केप कोस थीटा। ओके, अब ये अपने पास क्या होगा, वन होगा, ये भी अपने पास होगा वन, और ये अपने पास क्या होगा फिर, आई केप डैश का मतलब एक्स डैश के अनुदिश इकाई सदिश है, तो इसको मैं लिखूंगी एक्स डैश। ओ ये अपने पास होगा, जे केप क्या है, जे केप अपने पास होता है वाई दिशा में इकाई सदिश, क्या होता है वाई दिशा में होता है इकाई सदिश। ओके, तो यहाँ पर लिख दूंगी वाई, इसको ए वन टू करेंगे, क्यों करेंगे, ये देखो ये अपने पास पहला इकाई सदिश, ये दूसरा इकाई सदिश है, तो इसको वन टू किया है मैंने। ओके, अब देखो सेम करेंगे आई केप डैश डॉट के केप के लिए, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो ये अपने पास क्या होता है वन, ये होता है वन, क्योंकि अपने को पता है इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है ऑलवेज वन होता है, तो यहाँ पर वन करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे वन, कोस थीटा कोस थीटा। अब देखो ये अपने पास होगा एक्स डैश के अनुदिश, तो यहाँ पर एक्स डैश, ओ ये अपने पास है जेड, तो यहाँ पर करूँगी मैं जेड ए वन थ्री, क्योंकि ये अपने पास है पहला इकाई सदिश, यह तीसरा इकाई सदिश, तो मैंने क्या किया वन थ्री किया। सेम इसी तरह अपन आगे करेंगे, इसी तरह, अब देखो पूरा नहीं करेंगे आगे, अपन सीधा लिखेंगे इसी तरह एंड आगे करेंगे, देखो इस तरह से, इसी तरह जे केप डैश डॉट आई केप क्या होगा, वो अपने पास होगा कोस वाई डैश ओ एक्स ए टू वन, थोड़ा समझो इसको, ये मैंने क्यों लिखा है, देखो ये अपने पास जे केप डैश है, वो दूसरा इकाई सदिश है, ये कौन सा दूसरा इकाई सदिश है, ठीक है, तो सब जगह क्या किया टू टू किया। अब देखो ये अपने पास है वाई डैश के अनुदिश इकाई सदिश, तो यहाँ पर वाई डैश किया, ये अपने पास है एक्स के अनुदिश एक्स कर दिया, ये वाई डैश है वाई डैश है, ये अपने पास जे केप क्या है वाई के अनुदिश इकाई सदिश है, तो मैंने यहाँ पर वाई किया, यहाँ पर जेड किया है। ओके, तो इसी तरह करेंगे किसके लिए, के केव डेस के लिए, इस तरह से अब देखो ये अपने पास है जे डेस के अनुदिश जे डेस ओ, ये एक्स के अनुदिश जे डेस ओ, ये अपने पास है वाई के अनुदिश इकाई सदिश, ये अपने पास है जेड के अनुदिश इकाई सदिश। अब देखो ये अपने पास है थर्ड इकाई सदिश, इस तरह से। ओके, अब देखो वन टू थ्री। ओके, अब देखो जो अपने समीकरण दस तीन में क्या करेंगे, इन सबको मान रखेंगे, समीकरण दस में देखो ध्यान से, समीकरण दस में क्या करेंगे, ये मान रखेंगे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री करेंगे। ओके, तो देखो समीकरण दस से पहले नोट करो, समीकरण 10 से तो ये अपने पास होगा एक्स डैश इक्वल ए वन वन एक्स ए वन टू वाई ए वन थ्री जेड, वाई डैश इक्वल ए टू वन एक्स ए टू टू वाई ए टू थ्री जेड,
और जेड डेस अपने पास है ए थ्री वन एक्स, ए थ्री टू वाई, ए थ्री थ्री जेड। मैंने बेसिकली यहाँ पर किया क्या था, मैंने यहाँ पर इसकी जगह ये मान रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, सबकी वैल्यू रख दी। देखो तो ये मेरे पास आया है समीकरण 11 और ये अपने पास है निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। ओके समीकरण 11 निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है, किसमें 3D के अंदर, और जब क्या हो निर्देश तंत्र झुके हुए हो। ओके तो ये अपने पास हो गया निर्देशांक रूपांतर समीकरण इन 3D, जब निर्देश तंत्र क्या हो किसी निश्चित कोण से झुके हुए हो, इन द केस इन 3D के अंदर अपने पास ये आएगा निर्देशांक रूपांतर समीकरण। ओके तो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बचा है जो कि अपन करेंगे अगली क्लास में। ओके तो ये अपने पास आ गया निर्देशांक रूपांतरण, अगली क्लास में अपन करेंगे वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, ये सब करेंगे। ठीक है तो आज अपन इतना ही करेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट।